कोटा के भीमगंज मंडी थाना इलाके में शादी का झांसा देकर महिला से दुष्कर्म करने के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को पुलिस ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया है। जिया थानाधिकारी हर्षराज ने बताया कि अप्रैल माह में मध्य प्रदेश निवासी पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दी थी कि युवक ललित कुर्मी से उसकी मुलाकात शादी.com के जरिए हुई थी और जिसके बाद दोनों की मुलाकात हुई, लेकिन युवक ललित पहले से ही शादीशुदा निकला और ये बात उसने पीड़िता को नहीं बताई थी। और वहीं इस दौरान युवक उसे जयपुर कोटा सहित दूसरे स्थानों पर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। रिपोर्ट के बाद पुलिस ने टीम गठन कर आरोपी की तलाश शुरू की और जिसके बाद पुलिस ने यूपी के बिसलपुर निवासी ललित को आखिरकार गिरफ्तार किया और मामले में आगे की जांच अब शुरू कर दी है। पर ललित कुर्मी नाम के लड़के से कांटेक्ट हुआ था। ललित कुर्मी पीलीभीत यूपी का बिशलपुर गांव का रहने वाला है। उसने शादी करने का झांसा दे करके उसके साथ में लंबे समय तक दुष्कर्म किया। पहले शादी के बहाने से कंसर्न सहमति से उतरा, बाद में उसे मना करने के बावजूद भी वो कि मैं शादी करूंगा तुम्हारे से, और उस बहाने से वो लगातार संपर्क में था। और उसने यहाँ से जयपुर में और कोटा में अलग अलग जगह रख करके लंबे समय तक उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। पीड़िता ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। आज आरोपी उस पीड़िता को धमका करके मुकदमा उठाने के काम से यहाँ कोटा आने की सूचना हमारे को मिली थी। कोटा जंक्शन पर उतरते हमने उसको अरेस्ट कर लिया। देश और दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें A1 TV News, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप पा सकें ताज़ा खबरों की नोटिफिकेशन।